स्वागत है आपका एम सोल्यूशन चैनल पर। आज की यह वीडियो कक्षा 12वीं के उन छात्रों के लिए है जिन्होंने अभी तक अवकलन नहीं पढ़ा है, या अवकलन पढ़ा भी है तो 100% उनको अच्छे से समझ में नहीं आया है। तो जिन छात्रों को अवकलन की अच्छी तैयारी करनी है और अवकलन का सवाल सॉल्व करके बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क पाना है, वो छात्र इस वीडियो को जरूर देखें और लास्ट तक देखें। तो चलिए हम प्रश्नावली 5.2 से सवाल नंबर 6 सॉल्व करेंगे। दिया हुआ है कि कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये चीज़ दिया हुआ और इसका अवकलन करना है। तो इसको हम सबसे पहले मान लेंगे वाई, वाई मान लिया। इसके बाद क्या करेंगे, दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे। लेकिन दोनों पक्षों का अवकलन करने से पहले एक फार्मूला हम लोगों को जान लेना चाहिए कि यहाँ पर दो फलन है, एक है कॉस एक्स क्यूब और दूसरा है साइन स्क्वायर एक्स की घात 5। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दो फलन के गुणनफल वाला फार्मूला लिखेंगे। फार्मूला हम लिखने जा रहे हैं यहाँ पर ब्रैकेट में, क्योंकि डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स इंटू एफ टू एक्स बराबर होता है प्रथम फलन यानी एफ वन एक्स, वैसे के वैसे लिख देंगे, इसमें कुछ नहीं करेंगे, और डी डी एक्स ऑफ द्वितीय फलन यानी एफ टू एक्स, और प्लस द्वितीय फलन लिखेंगे एफ टू एक्स और डी डी एक्स ऑफ प्रथम फलन यानी एफ वन एक्स। ये होता है सूत्र, दो फलन के गुणनफल का अवकलन इस तरीके से होता है। एक बार फिर से इस सूत्र को समझ लें। एफ वन इंटू एफ टू जब रहेगा तो एफ वन डी डी एक्स ऑफ एफ टू प्लस एफ टू डी डी एक्स ऑफ एफ वन एक्स। तो इस तरीके से हम इसका अवकलन करेंगे। तो चलिए दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं और लिखते हैं डी वाई बाई डी एक्स पढ़ें इसको, या डी डी एक्स आप वाई पढ़ें, दोनों तरीका सही है। तो ये प्रथम फलन जैसे है वैसे मैं लिख दे रहा हूँ, कॉस एक्स क्यूब इंटू डी डी एक्स आप द्वितीय फलन यानी साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 प्लस द्वितीय फलन वैसे लिख देंगे साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 इंटू डी डी एक्स आप प्रथम फलन यानी कॉस एक्स क्यूब। आपको समझ में आ रहा होगा, ये उम्मीद करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ। पहला वाला वैसे के वैसे हम नोट कर देंगे कॉस एक्स क्यूब इंटू, अब यहाँ ध्यान से देखें साइन स्क्वायर है ना, तो साइन एक्स घात 5 का होल स्क्वायर समझ लें तो एक्स पे पावर एन वाला सूत्र लग जाएगा, हो जाएगा एन एक्स पे पावर एन माइनस वन यानी हो जाएगा टू साइन एक्स की घात 5 इंटू। अब साइन का अवकलन जब हो गया है स्क्वायर वाले का तो फिर साइन का होगा, अब की बार साइन का होगा तो हो जाएगा कॉस एक्स की घात 5 इंटू, अब साइन भी छोड़ देंगे, केवल एक्स की घात 5 का अवकलन करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एक्स पे पावर 4 प्लस, अब द्वितीय अवकलन वाले में आ जाएंगे, इसको लिख देंगे जैसे तैसे लिखा है साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 इंटू कॉस एक्स क्यूब का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू एक्स क्यूब का अवकलन फिर से करेंगे तो हो जाएगा 3 एक्स स्क्वायर। आप एक बार और ध्यान दें, इसको मैंने यहाँ नोट कर दिया, कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है, फिर एक्स क्यूब का अवकलन किया 3 एक्स स्क्वायर। अब आगे बढ़ेंगे, इसको कैलकुलेट करके इकट्ठा कर देंगे सही सही, 5 एक्स की पावर 4 पहले लिखेंगे इंटू, यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 साइन इंटू कॉस, ये हो जाएगा साइन 2a यानी साइन 2 एक्स की पावर 5। ध्यान से देखें 2 साइन a इंटू कॉस a, यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक फार्मूला है त्रिकोणमिति का, 2 साइन a इंटू कॉस a, तो हो गया साइन 2 एक्स की घात 5, और बचा क्या है कॉस एक्स क्यूब, इसको मैंने शुरू में लिख दिया। अब यहाँ पर क्या बचा, प्लस माइनस का गुणा माइनस हो जाएगा और 3 एक्स स्क्वायर पहले रहेगा और साइन स्क्वायर एक्स की घात 5 इंटू साइन एक्स की घात 3, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी आप
समझदार हैं आप, इसको और अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसे यू मान लें, इसे वी मान लें, तो यू और वी मान करके अलग अलग सॉल्व करेंगे, प्रोसीजर बड़ा हो जाएगा, सवाल बड़ा हो जाएगा। इस तरीके से आप कम से कम टाइम में, कम से कम लाइनों में हल कर देंगे। देखते हैं आगे क्या होता है। अब यहाँ पर सवाल नंबर 7 है। सवाल नंबर 7 दिया, टू कर्ली के अंदर काट एक्स स्क्वायर का आकलन कीजिए। तो ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही लाजवाब सवाल है ये। इसको भी मान लिया आपने, वाई बराबर टू कर्ली के अंदर काट एक्स स्क्वायर। अब इसका आकलन करेंगे दोनों पक्षों का, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर, दो तो बाहर है पहले से रहेगा ही, कर्ली के अंदर कुछ भी हो उसका आकलन होता है 1/2 कर्ली के अंदर, वही चीज़ जो कर्ली के अंदर है। इसका आकलन हो जाएगा 1/2 कर्ली के अंदर काट एक्स स्क्वायर इंटू, अब देखिए काट का आकलन हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर, और ये जो कोण लिखा है एक्स स्क्वायर इंटू, काट छोड़ दीजिए केवल एक्स स्क्वायर का आकलन कीजिए, हो जाएगा 2x। अब इसको केवल त्रिकोणमिति के रूप में हम लोग सरल करेंगे और आंसर तक पहुँचेंगे। अब देखिए 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, तो ये हो जाएगा माइनस 2x, ये वाला 2x शुरू शुरू में लिखेंगे, 2x कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे के अंदर काट एक्स स्क्वायर होगा। अब आप इसको समझ रहे होंगे। अब आप ध्यान से देखें, थोड़ा सा इसमें त्रिकोणमिति हम लोग सॉल्व करेंगे, सब कुछ साइन के रूप में चेंज करेंगे, तो ये इस तरीके से हो जाएगा। आगे बढ़ लेते हैं, माइनस 2x कोसेक स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं हम लोग 1/sin स्क्वायर एक्स, यहाँ नीचे ला सकते हैं, कर्ली के अंदर काट एक्स है, काट एक्स स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर को अगर नीचे लाएं तो बन जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, आप लोग समझ रहे होंगे। आगे बढ़ते हैं, माइनस 2x अपॉन कर्ली के अंदर काट एक्स स्क्वायर को लिख सकते हो कास एक्स स्क्वायर बटे साइन एक्स स्क्वायर इंटू, यदि कर्ली के अंदर हम साइन स्क्वायर को ले जाएं कर्ली के अंदर, ये हो जाएगा साइन की पावर 4, ये हो जाएगा क्या चीज़, साइन की पावर 4x स्क्वायर। इस बात को आप अच्छे से समझें, साइन स्क्वायर बाहर है तो कर्ली के अंदर जाएगा तो साइन की पावर 4 हो जाएगा, और देखते हैं कैसे होता है। बराबर माइनस 2x अपान कर्ली के अंदर, अब यहाँ देख सकते हैं साइन से साइन कट जाएगा, साइन पे घात 3 बचेगा यहाँ, और ये हो गया कास एक्स स्क्वायर और साइन क्यूब एक्स स्क्वायर, कास एक्स स्क्वायर इंटू साइन क्यूब एक्स स्क्वायर। अब देख लेते हैं इसको फिर से, बराबर माइनस 2x अपॉन, इसमें से इसको हम साइड कर देते हैं, इधर कर देते हैं बाएं पक्ष में, तो हो जाएगा ये साइन एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स स्क्वायर। अब ये साइन स्क्वायर एक्स बचा हुआ है, साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचा हुआ था। अब देख लीजिए आगे चेक कर सकते हैं इसको आप, माइनस 2x अपान, माइनस 2x अपान कर्ली के अंदर, ये साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो जाएगा साइन एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 1/2 और 2 का गुणा कर देंगे, 2 साइन एक्स स्क्वायर कास
एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 1/2 और 2 का गुणा करने का मतलब यह है कि 2 sin a sin b का 2 sin a cos एक सूत्र लग जाएगा, 2 sin a cos a। और जो बटे में कड़ी में 2 है ये ऊपर चला जाएगा, तो ऊपर चला जाएगा -2 कड़ी में 2x बटा बाहर क्या है, सॉरी आपको दिख नहीं रहा था, बटा बाहर क्या है sin x स्क्वायर, और कड़ी के अंदर यहाँ से देखें 2 sin a cos a हो जाएगा sin 2a, यानी sin 2x स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं कि अब इससे ज़्यादा सरल करना मूर्खता होगा, क्योंकि अब इसके आगे बढ़ना संभव नहीं है, और यदि आगे भी बढ़ेंगे तो फिर आंसर इससे छोटा नहीं होगा, बड़ा ही होता जाएगा। तो ये रहा इसका आंसर। और यदि ये वीडियो आपको समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं, ताकि मैं इसको दूसरे तरीके से दूसरी बार इसका वीडियो बना करके अपलोड कर दूं और आप लोगों तक पहुंचा दूं। तो फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। सवाल नंबर 8 देख लें। काश कर्णी के अंदर यक्ष, इसका अवकलन करना है, तो दोनों पक्षों का यक्ष के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो जाएगा dy/dx इक्वल टू, कास का अवकलन होता है -sin√x इंटू रूट एक्स का हो जाएगा 1/2√x, तो ये हो जाएगा -1/2√x इंटू sin√x, ये हो गया इसका आंसर। तो अब पढ़ेंगे आगे, सवाल नंबर 9 को चेक करेंगे। सवाल नंबर 9 दिया हुआ है, सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स इक्वल टू mod x -1, x एलिमेंट ऑफ R एंड x इक्वल टू 1 पर अवकलित नहीं है, पर अवकलित अवकलित नहीं है, ये चीज़ आपको सिद्ध करना है। जहाँ ध्यान से देखें, यह x एलिमेंट ऑफ R लिखने का मतलब हुआ कि x जो है रियल नंबर का सदस्य है, यानी x वास्तविक संख्या के अंदर की कोई एक संख्या है जो एक होगी या एक से बड़ी होगी। हाँ, तो यहाँ पर x एलिमेंट ऑफ R का मतलब यही होता है कि x रियल नंबर या वास्तविक संख्या के सदस्य है। तो यहाँ या f x को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, या f x को हम दो तरीके से लिख सकते हैं। एक x-1 तब लिखेंगे जब x बड़ा होगा या बराबर होगा एक के, और इसको 1-x तब लिख सकते हैं जब x छोटा होगा एक से। यानी ये चीज़ दिया हुआ है, इसका मान मतलब हुआ कि इसका मान प्लस में आना चाहिए। प्लस में कैसे आएगा, जब x का मान आप एक से बड़ा रखोगे तभी ना प्लस में आएगा, x का मान एक से बड़ा रखोगे तो प्लस में आएगा। और इस कंडीशन में यदि आप लिखते हैं तो x का मान एक से छोटा रखेंगे तब प्लस में आएगा, तो इस नाते हम इसको दो कंडीशन में लिख सकते हैं। अब x बराबर एक पर हम क्या करते हैं, x बराबर एक पर इसका आर एच एल निकालते हैं। आर एच एल बराबर फार्मूला होता है लिमिट लिमिट एच इंटेंस टू 0 f1+h-f1/h होता है। ये फार्मूला है, ये जब प्रथम सिद्धांत से अवकलन किया जाता है तब यही फार्मूला बार बार यूज किया जाता है। तो प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना भी आप लोगों को सीखना चाहिए, और मुझे मैं कोशिश करूंगा कि प्रथम सिद्धांत से अवकलन करना भी आप लोगों को सिखाऊं। तो यहाँ पर क्या है, आप दोनों ओर -1 छोड़ दो, इसमें और इसमें आप -1 जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा इस तरीके से लिमिट एच इंटेंस टू 0 f1+h-1, इस तरीके से हो जाएगा, और माइनस f1 की जगह पर 1-1 हो जाएगा बटा h। और इसको हम लोग लिख सकते हैं लिमिट h इंटेंस टू 0, और यहाँ पर आप देखिए अभी तो 1+h-1 में
वन और वन कट जाएगा, ध्यान से देखें, वन और वन कट जाएगा तो बचेगा क्या, केवल एच बचेगा, और ये भी वन में से वन घट जाएगा जीरो, तो एच बटा एच, एच बटा एच कट जाएगा, कितना आएगा, वन आएगा। अब हम लोग एल एच एल निकालते हैं, इसका लेफ्ट हैंड लिमिट है, एल एच एल, एल एच एल लिख दिया मैंने गलती से, एल एच एल निकालेंगे, एल एच एल भी इसका इतना ही आना चाहिए, यदि बराबर आ गया तो अवकलनीय है, बराबर नहीं आएगा तो अवकलनीय नहीं है। तो ये हो जाएगा लिमिट एच इंटेंस टू जीरो, और एफ वन माइनस एच माइनस एफ वन बाई एच। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, लिमिट एच इंटेंस टू जीरो, और यहाँ पर फिर एच की जगह पर क्या रखेंगे, वन माइनस एच रखेंगे, तो एफ वन माइनस एच की जगह पर रखेंगे वन माइनस एच, और बड़ा वाला ब्रैकेट बंद, और माइनस वन की जगह पर वन माइनस वन रहेगा, बटा में एच रहेगा, और यहाँ पर नीचे हर में भी माइनस एच रखेंगे क्योंकि लिमिट एच इंटरेस्ट टू जीरो है। अब यहाँ देख लीजिए, वन से वन समाप्त प्लस एच हो जाएगा, ये भी वन से वन समाप्त, लिमिट एच इंटेंस टू जीरो एच बटे माइनस एच आ गया, तो दोनों काटेंगे जब आप, तो ये आ जाएगा माइनस वन इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, यानी एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था, थोड़ी थोड़ी ये मिस्टेक हो जा रही है हमसे, मतलब जो एल एच एल का मान आया वही मान आर एच एल का भी आना चाहिए था तो अवकलनीय होता, ये दोनों मान अलग अलग आ गए तो ये अवकलनीय नहीं है, क्योंकि आर एच एल इज नॉट इक्वल टू, सॉरी सॉरी, एल एच एल इज नॉट इक्वल टू आर एच एल, इसलिए फलन यक्स बराबर एक पर अवकलनीय नहीं है, अवकल नहीं, नहीं।